हाँ संजना, ऋषि कैसा है? ठीक तो है ना? टीवी पे कार्टून देख रहा है। टीवी पर कार्टून देख रहा है लेकिन आवाज तो नहीं आ रही है। म्यूट कर रखा है उसने। पता नहीं देख भी रहा है या सोच रहा है कुछ। ऐसा लगता है कि अपने में ही खोया हुआ है। दिन भर बस हाँ ना इतनी ही बात कर रहा है और बार बार पूछता है कि आई कब आएगी। उससे बोल कि मैं बस आ ही रही हूँ, 20 मिनट में पहुँच रही हूँ। अच्छा सुन, रॉ मटेरियल का क्या हुआ? बेटे ने हाँ कहा क्या? बिल्कुल मना कर दिया, एडवांस के बिना सप्लाई नहीं करेगा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं संजना? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। एक्चुअली मेरे एक अंकल है। अंकल मतलब पुराने पड़ोसी है मेरे। इन्वेस्टर है, स्टार्टअप में हेल्प करते हैं। उनकी बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी उनसे। उनके पास ट्राई करना चाहती हो? वो अभी ऑफिस में ही है। हाँ, क्यों नहीं संजना, तू बता ना मुझे। तो फिर तुम अभी चली जाओ उनके ऑफिस में, मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ। मैं अभी चली जाऊंगी। थैंक यू संजना। नो थैंक। चलो मैं अभी एड्रेस भेजती हूँ तुम्हें। अच्छा संजना, मैं जल्दी आ जाऊंगी लेकिन तब तक तो ऋषि को थोड़ा दे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ऋषि के साथ। थैंक यू। बताओ ना दादी, क्या हुआ? आप मेरा बैग क्यों पैक कर रहे हो? आप उससे नाराज हो क्या? हम लोग कहीं जा रहे हैं? हम नहीं, तुम। पर क्यों दादी? बोलो ना दादी, पर क्यों? अट्टी बट्टी कट्टी, 100 साल की कट्टी, बात मत कर मेरे से। चलेगी दादी, अगर कट्टी है तो ढूंढ क्यों रहे हो मुझे? बताओ ना दादी, क्या हुआ? आप गुस्सा क्यों? बताओ ना दादी प्लीज। रावण आंटी के पास भेजा था मुझे। किस लिए? दोस्ती करने के लिए या दुश्मनी निभाने के लिए? हैं? ऐसे ऐसे मिल मिल के नाच रही थी उसके साथ, ऐसे हग कर रही थी बार बार। कूल मम्मा, कूल मम्मा। ना मा कूल मम्मा। अरे सुन सुन के मेरा दिमाग हॉट हो गया। छोटे हनुमान जी, तुमको टीम सीता से बाहर निकाल दूं? हैं? बताओ, टीम सीता से निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। ओहो दादी, आप इसलिए नाराज थे? आप कट्टियों की मुझे पनिश कर रहे हो? आपको तो मुझे अवार्ड देना चाहिए। अवार्ड? किस बात का? बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस अवार्ड। देखा ना, मेरी एक्टिंग से सब धोखा खा गए। पापा भी, आप भी, और मम्मा कूल को तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। मतलब ऑफिस में डाइनिंग टेबल पर वो सब नाटक? हाँ दादी, सब नाटक, सब एक्टिंग। ओए, और फिर से अगर उस नामा कूल को मम्मा कूल बोला ना, मैं कान खींच लेने तेरे। प्रॉमिस कर, फिर से उस चुड़ैल को मम्मा कूल नहीं बोलेगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस दादी, पर एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। रावण आंटी को मैंने हक किया तो क्या हुआ, लेकिन रियल हक तो आपको ही मिलेगा दादी। मेरी चपरों। मैं तो डर गई थी बेटा, तूने तो मेरी जान निकाल दी थी। मुझे लगा कि हाय कुड़ी गई हाथ से। हाय मेरा बच्चा। और तेरे एक्टिंग के चक्कर में मैं तो भूखी रह गई ना। मेरे होते हुए मेरी आधी भूखी रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक मिनट, आपको भूखा नहीं रहने दूंगी मैं। ये लो दादी, मुंह मीठा करो।
खाओ, मैं आपके लिए सैंडविच लेके आ रही हूँ। चड्डा जी एनू कहंदे ने मौज फैमिली। दूध ये रहा दूध, एक ऋषिका और एक आयिका। नाउ 1 2 3। अरे क्या हुआ क्या? चलो 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 जल्दी खत्म करो, मेरी फोटो भी तो खींचनी है। अरे ऋषि की तो मुझे बन गई है, चल जल्दी से फोटो। आपके भी आजा आजा, रोली को भेजेंगे। चल दूध 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 दूध, खत्म कर दो, खत्म खत्म, फास फास फास। चलो खत्म करो खत्म। ऋषि फर्स्ट, गुड नाइट। आई ऋषि, तेरी उदासी तेरी चुप्पी सिर्फ आज की रात, कल डॉक्टर हर्ष के साथ तेरा सेशन होगा ना, तो तेरे चेहरे पर वही पुरानी स्माइल वापस आ जाएगी। हाय रे, एक पैग गले के नीचे उतरा नहीं कि चड्डा जी आएंगे, फिर हम गल्ला करेंगे। चूस चड्डा जी। आय रे, अभी तो एक बूंद हलक के नीचे उतरी नहीं, तुसी आ भी गए। अब रोली क्या हुआ पुत्र, तू वापस क्यों आ गई? पापा ने भेज दिया और कह रहे थे सेमंटियर में बहुत सारा ऑफिस का काम करेंगे और लाइट भी नहीं बंद करेंगे, फिर मुझे नींद कैसे आती? बड़ा शातिर है तेरा पापा, रात भर कौन सा काम करना है सब जानती हूँ मैं। देख रहे हो चड्डा जी, पुत्र ने कैसा बहाना बना के भेजा है बच्ची को, लेकिन मैं भी माँ हूँ उसकी। चांद रानी चड्डा, लाइट तो अब जली है मेरी। दादी क्या बोल रहे हो आप? उधर इधर 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 शाबाश, आइडिया है। क्या है? और उसके बाद और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ना कैसा लगा दादी का आइडिया? वर्ल्ड बेस्ट दादी का आइडिया तो अच्छा ही है। ओए मम्मी दादी अच्छे से सोना। ओके चल शाबाश। और हाँ डरोगी तो नहीं ना मेरे बिना? अरे डर लगा तो मैंने तेरे पास आ जाना उसी कमरे में। दादी गुड नाइट, स्लीप टाइट। टाइट तो मैंने उन्हें हो जाना है। चांद्रणी किसी से नहीं डरती, और वैसे भी मेरे साथ वो है ना, अभी आ जाएंगे मुझे अकेला देखकर। आई नी चीयर्स चड्डा जी। प्लीज एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी चीज उसे डिस्टर्ब करती है वो उससे दूर रहे, और आप भी इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि वो डिस्टर्ब हो।
सैम ने कहा था रोली ने बिस्तर गीला किया, पर ये तो पानी लग रहा है, इट्स नॉट स्मेलिंग। कहीं सैम ने रोली को बाहर निकालने के लिए मेरे साथ रात अकेले गुजारने के लिए बिस्तर पर पानी तो नहीं डाला, बट वाई? दिन में रोली से इतना प्यार और अब क्या हुआ? बेजी आंख पे पट्टी बांधने वाले से क्या बात करना, उसे तो जो दिखाई देता है वो भी अनदेखा कर देता है। बात क्या है बीजी, प्लीज बताओ। रात को रोली ने सुसु की तो तुम उसे मेरे कमरे में छोड़ने आए, तब मैं चुप रही। लेकिन अब पूछती हूँ, कितने बरसों से जानते हो तुम रोली को? जब से समझ आई है उसने कभी बिस्तर गीला किया? सोचो किसने किया होगा, सोचो। क्यों किया होगा ये भी सोचो। रात को तो सिर्फ शक था, अब उस पर नीचे ने मोहर लगा दी। क्यों कर रही है सैम ऐसा? तो चुप है लेकिन तेरी शक्ल बोल रही है, तेरे मन में भी खटका है। तो भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूं। सैम आंटी! कुलदीप ब्रेकफास्ट कर ले। नहीं भूख नहीं है। आदमी की मां को कितना माटा ही प्यार दे दो, रहती तो वो सास ही है, और मेरी सास के तो सर पर एंटीना लगा है। अरे छट से पता कर लेती है मेरे मन में क्या चल रहा है। और चड्डा, चड्डा तो बीजी के हाथ की कठपुतली है, पर अब उसकी डोर मुझे अपने हाथ में लेनी होगी और उसको नचाने वाली बीजी की उंगलियों से डोर काट देनी होगी, और डोर ना कटे तो बीजी की उंगलियां काट दूंगी मैं। और कितने दिन स्कूल जाने को मना करेगा ऋषि? जाने दो, उस पर जबरदस्ती करना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर हर्ष आते ही होंगे, फिर शायद ऋषि में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए। आई आज आपने स्कूल जाने को नहीं कहा? नहीं, आज आई सिर्फ एक ही चीज की जिद करेगी। पूछ क्या? तू मेरे साथ ब्रेकफास्ट करेगा। मुझे कहा था लेट मत करना और खुद अभी तक नहीं आए। कहाँ जा रहे हैं आप? फिफ्थ फ्लोर पे। पहले तो नहीं देखा आपको। किसके घर जा रहे हैं? मिसेज शुभ्रा चड्डा। शुभ्रा के यहाँ जा रहे हैं? कोई रिश्तेदार तो नहीं लग रहा। अकेली औरत, किसी यार को बुलाया होगा ऐसा ही लग रहा है। हुँ।
थैंक्स, इतना सोचा आपने मेरे बारे में। यार दोस्त जो मन करे अज्यूम कर लीजिए। वैसे फ्री की एक एडवाइस दूं, मन साफ तो दुनिया साफ नजर आती है, बाकी सब सोच का खेल है। और अगर इतनी आइडेंटिफिकेशन काफी ना हो तो कोई आईडी प्रूफ दिखाओ। हैव अ गुड डे। हम एक इमेजिनेशन गेम खेलेंगे, तो हम ये इमेजिन करेंगे कि ये सारे वेजिटेबल्स वो लोग हैं जिन पर हमें बहुत गुस्सा आता है, और हम अपना सारा गुस्सा इन वेजीज पर निकालेंगे। जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा कटिंग, और जो सबसे ज्यादा कटिंग करेगा वो कंपटीशन जीत जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता है? हाँ, मेरी मैथ्स टीचर पे आता है, मिसेस पंडित पे। उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट की है, मुझे इतना स्कोल्ड किया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक्चुअली मैं मैथ्स में बहुत वीक था ना, लेकिन मुझे गुस्सा निकालना है, सो मैं मिसेस पंडित का सारा गुस्सा इस कैरेट पे निकालूंगा। ओके, सो गुस्सा आउट 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 आउट। अब मुझे किस पे गुस्सा आता है, किस पे 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 आता है? मेरी दादी पे आता है, मेरी खड़ूस दादी पे। पता है वो लड्डू खाती थी और मुझे नहीं देती थी, उनका गुस्सा भी तो निकालना पड़ेगा ना। वो मैं इस रेडिश पे निकालूंगा। सो दादी का गुस्सा आउट 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 आउट। उस पर का गुस्सा आउट 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 आउट। सोसाइटी के बच्चे मुझे बहुत हर्ट करते हैं, वो वाला गुस्सा आउट 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 आउट। सारा गुस्सा निकाल दो, कचरा होगा तो मैं साफ कर दूंगा, डोंट वरी। ऋषि शांत रहो, ऋषि शांत रहेंगे, मेरे पापा भी आएंगे, अगर मेरे आई के बारे में ऋषि से बोला तो बहुत मारूंगा। पापा रो रहे, सब चले गए। आई एम अ बैड बॉय। मेरी रोली मुझसे बात करती है, मेरे साथ खेलती है, तू मेरी रोली नहीं। ऋषि अपने बाप पर बिल्कुल नहीं गया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आई आ आई मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है। अब साबित हो गया कि चोर हो तुम, अपनी खुशी के लिए दूसरों का दिल दुखाने वाली एक सेल्फिश औरत हो। तो आप बहुत गंदी हो। सिख थक गया चैंप, सारा गुस्सा निकाल दिया? नहीं, गुस्सा है, बहुत गुस्सा है मामा वाला। एक सेकेंड। ओके, इमेजिन करो ये टिश्यू बॉक्स तुम्हारे पापा है, अपना सारा गुस्सा निकाल दो। ऋषि को उसके पापा की किसी बात ने हर्ट किया है, गहरी चोट दी है। ऑन वन हैंड वो पापा को मिस भी कर रहा है और उन पर उतना ही गुस्सा भी है। इस पेन को हील करना होगा, ऋषि को इस दर्द से निकालना होगा।
गुस्सा खत्म? कैसा लग रहा है? हल्का, बहुत हल्का। वेरी गुड। ऋषि, एक्सक्यूज मी। हेलो डॉक्टर, योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। बच्चा और फादर दोनों आ गए। अब उनकी हिस्ट्री ले लो और प्ले रूम में ले जाओ। सर मैंने ट्राई किया बट इस फादर ही इज वेरी इंपेशेंट। उन्हें एक ग्लास ठंडा जूस पिलाओ और बोलो डॉक्टर आधे घंटे में आ रहे हैं, ठीक है? ओके सर। प्लीज कम दिस साइड। शुभ्रा कहाँ रह गई? रोली बेटा जा फटाक से ले आ, चल शाबाश दौड़ जा। शाबाश मेरा बच्चा। अब चले एफर्ट। चलो। थैंक यू। हाँ जी फोन मिल गया। ओ शिट। क्या हुआ अब? बिजी वो, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, वो कार की चाबी पर्स में रखी थी, मिल नहीं रही है। मिल जाएगी, ढूंढ ले। जी सुबह सुबह उठकर ना बादाम खाया करो आप। हाँ अब फिर की? हाँ अब चाबी देखना अंदर जाके, अंदर रह गई होगी। कहाँ अंदर दीदी? अरे तकिए वकी के नीचे देखना, कहीं साइड पे पड़ी होगी बेड के। दीदी तकिए के नीचे की साइड में? आज तो बेटा इसकी बैटरी डाउन है। तू एक काम कर जा फटाफट ढूंढ के ले आ, तू ही ले आएगी पहले। अरे हम जाओ। आई थिंक उन्हें चाबी मिली नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। मिल गई। ओके थैंक यू। चलिए बीजी अब चलते हैं। चलो जी। अरे फड़ा बेटा। हाँ। अरे कुलदीप का फोन। अब उसे बता देती हूँ वरना फोन करता रहेगा, है ना? हेलो लेडीज डे आउट ओवर। ओ मैनू गल करन दे। हेलो पुत्र। हेलो पापा। हम कैसे लग रहे हैं? तैयार हुए हम, जा रहे हैं शॉपिंग। पापा आपको पता है शॉपिंग के लिए पर्सनल शॉपर भी होता है? मैं नहीं हूँ तेरी पर्सनल शॉपर। तुम्हारी आंटी ने बताया। अरे वाह, पर वो है कहाँ पर? नजर नहीं आ रही है। मैं यहाँ हूँ। देखो कुलदीप, मैंने दोनों को कैसे तैयार किया है, अच्छे लग रहे हैं ना? सही है ना हेयर स्टाइल? मैं तो बस सोच ही रही हूँ कि आगे से बस इसी को कंटिन्यू कर लूँ। कहाँ मर गए ये लोग, ज्यादा देर नहीं रुक सकती अब यहाँ। अभी नहीं आए तो मेरा प्लान फेल। अच्छा बाय बेटा, मुझे जाना होगा, कॉन्फ्रेंस का वक्त हो गया। ओके ए, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चलो पीछे चलो। बीजी सैम, अरे कौन आया घर पे? कोई चालाकी नहीं चाहिए। ए बुढ़िया चुपचाप अपने गहने और सारा पैसा इधर लाके रख। ए बुढ़िया सुना नहीं क्या? चलो जाओ पैसा लेकर आओ। चलो चल पीछे। अगर दो मिनट में यहाँ पर सारा पैसा और गहना नहीं आया
तो इस छोकरी का गला काट दूंगा। लूली, ए, निकल वहां से, उठ, जाके सब गहने उठने वाले क्या? चल, चल। मैं जा रही हूँ। ये दीदी ने असली कुंडे बुलाए हैं कि नकली है? डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए। आपको जो चाहिए ना, मैं दूंगी। ये जल्दी निकालो। चुप बैठ। सुन, बहुत सारे पैसे, ये लीजिए। और पैसे। मार देंगे इसको। निकालो जल्दी। जल्दी निकालो। ये सारे सारे पैसे ले लीजिए प्लीज। मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। घबराना मत। मैं तुम्हें बचा लेगी। ये भी ले लीजिए।